नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुनाइट। मैं हूं स्वाति रायन। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने मंत्रियों के साथ जारी मैराथन बैठक खत्म हो गई है। 5 घंटे ये बैठक चली। इसमें प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से उनके 2 साल के कामकाज का हिसाब लिया। हर मंत्री को 10 मिनट का वक्त दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक कामकाज के आधार पर कुछ मंत्रियों का कद बढ़ाया जा सकता है, कुछ मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है और कैबिनेट में फेरबदल 4 जुलाई को हो सकता है। ये भी बताएं, इसी सिलसिले में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कल रात प्रधानमंत्री मोदी के साथ 5 घंटे की मैराथन मुलाकात भी की थी। मेरे सहयोगी असीम इस पूरी खबर पर और अपडेट के लिए हैं। असीम, 5 घंटे तक की ये मैराथन बैठक चली, क्या समीक्षा ली गई मंत्रियों की? जी सर, देखिए, सभी मंत्रियों को जो है टाइम वक्त दिया गया था कि आप आइए और प्रेजेंटेशन दीजिए कि आपके मंत्रालय में क्या काम हुआ है, 2 साल में हमने जो फ्लैगशिप योजनाएं जो चलाई उसको लेकर के क्या प्रोग्रेस है, आपको जो फंड एलोकेट किया गया था उसको लेकर के क्या प्रोग्रेस है, क्या उसको फंड को जो है पूरी तरह से खर्च किया गया या नहीं किया गया, तो इन सभी डिस्कशन जो है होगा। एक कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों का जो है वो लिया है तो उनको अभी रेटिंग जो है वो भी कुछ तो भी पता लग जाएगी, जानकारी हो जाएगी, तो उसके बाद अब देखना होगा कि क्या एक रीशफल जिसके हम उम्मीद कर रहे हैं वो कल या परसों में हो सकता है या इतवार 4 तारीख से पहले, क्योंकि प्रधानमंत्री जल्दी अफ्रीका के दौरे पर जाने वाले हैं तो उससे पहले कोई रीशफल जो है वो हो सकता है या नहीं हो सकता, इसकी पॉसिबिलिटी जो है वो जताई जा रही है। असीम, इस आधार पर क्या कुछ पता चल पाया है कि किन मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है? देखिए, काफी सारी अटकलें हैं, इसमें चुनाव आने वाले हैं, पंजाब में चुनाव आने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, तो वहां पर लोगों की काफी जरूरत होगी, तो वहां के जो मजबूत मंत्री हैं उनको वहां भेजा जा सकता है कुछ मंत्रियों को, और कुछ मंत्रियों जो है वो भी जैसे कि खबरें चल रही हैं कि पीयूष गोयल जो कि इंडिपेंडेंट चार्ज है उनको कैबिनेट का दर्जा दिया जा सकता है, धर्मेंद्र प्रधान को कैबिनेट मंत्री का दर्जा जो है वो दिया जा सकता है, तो इस तरह की अटकलें अभी फिलहाल है, लेकिन अभी कोई पुष्टि नहीं है। अंतिम फैसला जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और हो सकता है कि इनको 4 जुलाई से पहले पहले कोई अंतिम फैसला जो है इस पर ले लिया जाए। जी बहुत शुक्रिया असीम इस पूरी खबर पर अपडेट के लिए आपका। हम आपको बता दें कि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक किन मंत्रियों का कद बढ़ाया जा सकता है, किन्हें जगह मिल सकती है, नए चेहरे वो भी आपको बता कि छुट्टी हो सकती है, किन का कद बढ़ सकता है ये आपको बताएं। पीयूष गोयल को कैबिनेट में जगह मिल सकती है, धर्मेंद्र प्रधान एक और ऐसा चेहरा है जिनको कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है, संजीव बालियान को कैबिनेट में जगह दी जा सकती है, मुख्तार अब्बास नकवी का कद बढ़ाया जा सकता है, कैबिनेट का दरवाजा उनके लिए खुल सकता है, वहीं मनोज शर्मा को भी कैबिनेट में जगह मनोज सिन्हा को कैबिनेट में जगह मिल सकती है, डॉक्टर महेश शर्मा का भी कद बढ़ सकता है और उन्हें कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। अब यहां पर यह भी जानना बेहद जरूरी है कि मंत्रिमंडल में नए चेहरे कौन कौन से हो सकते हैं। अनुप्रिया पटेल जो कि मिर्जापुर से एमपी हैं उन्हें जगह दी जा सकती है, राजवीर सिंह एटा से एमपी वो एक नया चेहरा है, भगत सिंह कोसियारी नैनीताल से जो एमपी है उन्हें जगह दी जा सकती है, और ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जो कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नए चेहरों को जगह देने की योजना है। नवजोत सिंह सिद्धू इसमें एक चेहरा शामिल है, विनय सहस्र बुद्धे राज्यसभा एमपी ये भी एक और नया चेहरा है जिन्हें शामिल किया जा सकता है विस्तार के इस योजना के तहत। साथ ही असम से एमपी रमन डेका को शामिल किया जा सकता है, तो ये कुछ ऐसे चेहरे जो कि संभावित चेहरे हैं, नए चेहरे हैं, लेकिन किन की छुट्टी हो सकती है जानना जरूरी है। सूत्रों के अनुसार नजमा हेपतुल्ला की छुट्टी हो सकती है, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हैं, गिरिराज सिंह की छुट्टी हो सकती है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एमएसएमई है वो, निहाल चंद की छुट्टी हो सकती है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स है, साथ ही विजय सांपला मिनिस्टर ऑफ स्टेट सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इनकी छुट्टी हो सकती है। तो सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट फेरबदल में कौन से ऐसे संभावित चेहरे हैं हमने आपको बताया। फिलहाल आज की एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि देश में ऊंचे ब्याज दरों से दिक्कत नहीं है। राजन ने कहा कि ब्याज दरें तय करने का अधिकार आरबीआई गवर्नर के पास ही होना चाहिए। साथ ही राजन ने स्टैंडिंग कमेटी को दी प्रेजेंटेशन में कहा कि ब्याज दरें घटाने के लिए सरकार की ओर से हमेशा दबाव रहता है, लेकिन महंगाई काबू करने के लिए ब्याज दर एकमात्र तरीका नहीं है, इसलिए गवर्नर के पास ब्याज दरें तय करने का अंतिम अधिकार होना चाहिए। इसके अलावा राजन ने कहा कि आरबीआई गवर्नर का कार्यकाल कम से कम 4 साल का होना चाहिए।
मौजूदा कार्यकाल सिर्फ 3 साल का है, जिसको उन्होंने काफी छोटा बताया। राजन ने कहा कि अगर महंगाई दर 5.5% होती है तो ब्याज दरें घटाने की पूरी गुंजाइश हो सकती है। साथ ही राजन ने स्टैंडिंग कमेटी के सामने अर्थव्यवस्था के मौजूदा हालत पर प्रेजेंटेशन दी। इसमें राजन ने बैंकों के बैलेंस शीट क्लीन करने, आरबीआई के रीऑर्गेनाइजेशन पर भी जोर दिया। साथ ही राजन ने कहा कि ग्रोथ में तेजी आ रही है, लेकिन अगर कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं तो ये खतरे की घंटी होगी। इससे पहले आरबीआई गवर्नर ने वित्त मंत्री अरुण जेटली से नॉर्थ ब्लॉक के उनके दफ्तर में मुलाकात भी की थी। फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड आरबीआई कीप टॉकिंग ऑल द टाइम। डू यू थिंक द नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट वुड बी बाय एमपीसी? आई थिंक वी आर पुटिंग आउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एमपीसी, लेट्स सी हाउ फार इट गेट्स। नए आरबीआई गवर्नर का ऐलान जल्द हो सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार नए आरबीआई गवर्नर पर 15 जुलाई से पहले कोई फैसला ले सकती है। इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ चर्चा करके कोई फैसला करेंगे। सूत्रों का कहना है कि सरकार आरबीआई गवर्नर के लिए किसी ब्यूरोक्रेट के बजाय इकोनॉमिस्ट को तरजीह दे सकती है। नए आरबीआई गवर्नर के लिए पूर्व आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर सुबीर गोकर्ण, राकेश मोहन और मौजूदा आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर उर्जित पटेल का नाम सामने आ रहा है। मौजूदा आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन का कार्यकाल 4 सितंबर को खत्म हो रहा है और उन्होंने आगे न कार्यकाल को बढ़ाने की इच्छा भी जताई है। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट जिम योंग किम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन की तारीफ की है। किम ने कहा कि वो पीएम मोदी के बड़े फैन हैं। किम के मुताबिक मोदी वो सारे काम कर रहे हैं जो एक महान बड़े लीडर को करने चाहिए। किम के मुताबिक आरबीआई गवर्नर के तौर पर रघुराम राजन ने काफी अच्छा काम किया है। I'm a big fan of Prime Minister Modi, and the reason I'm such a big fan of Prime Minister Modi is he does something that all great leaders should do, which is set ambitious targets, set deadlines for those targets, and then hold your staff accountable for achieving those targets. That is a tried and true method of getting results. You know, he is so well respected in so many circles. I think he's done a great job. I also think that the Modi government has made it clear that they're going to continue with the most important principles of having an independent central bank. I don't know what the whole story is. I mean, I'd always heard that he was going to go back to academia at some point. He is an extremely respected and productive scholar, in addition to having been a great central bank governor. आज शेयर बाजार में क्या हलचल रही आपको बताएं। अच्छे विदेशी संकेतों के चलते आज भारतीय बाजारों की मजबूत शुरुआत हुई। कारोबारी सत्र के दौरान निफ्टी 8,300 और सेंसेक्स ने 27,000 के स्तर को भी पार किया। बाजार साल 2016 के ऊपरी स्तरों पर बंद होने में कामयाब रहा और सेंसेक्स 259 अंक, निफ्टी 84 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए। रियल्टी, मेटल, बैंक, ऑटो, कैपिटल गुड्स, टेलीकॉम शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी रही। आज के कारोबार में बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। तो हमारा व्यू है कि जैसे जीएसटी है, ज़्यादा उम्मीदें नहीं है। अगर वो हो गया तो एट द मार्जिन पॉजिटिव होगा। मानसून आई थिंक इज अ लिटिल बिट मोर डिस्काउंटेड, बट अगर स्प्रेड अच्छा रहा जैसे कि उम्मीद है जुलाई और अगस्त में, तो उससे काफ़ी ग्रोथ हो सकती है। और उसके सब के ऊपर अगर ये पे कमीशन का पैसा, दैट वुड एक्ट लाइक अ कैटलिस्ट। फेस्टिव सीजन आ रहा है, हो सकता है कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में जो नंबर्स आएँ, लॉट ऑफ कंजम्पशन आइटम्स, और उससे क्या मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, इकोनॉमी में भी थोड़ी जान आएगी। और मेरे सहयोगी रजत इस वक्त मेरे साथ है। रजत, आज किन शेयर्स ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया? जोरदार तेजी थी, 2016 का उच्चतम स्तर आज बाजार ने छू लिया, 8,300 के पार पहुंचते हुए नजर आया। इंटरनेशनल क्यूज जो कि बहुत डोमिनेटिंग फैक्टर है इंडियन मार्केट्स के लिए भी, वो आज पॉजिटिव थे शुरुआत से ही, उसका एक ट्रिगर बन गया। शुरुआत से ही लग रहा था कि बाजार आज एक्सपायरी के दिन कहीं ना कहीं चढ़ता हुआ नजर आएगा, ट्रेडर शॉर्ट स्क्वीज करेंगे, और वैसे ही हुआ। दिन के उच्चतम स्तर के बेहद करीब क्लोज हुए। BHEL, ग्रासिम ने पार्टिसिपेट किया, जिसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज, यस बैंक, एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स में तगड़ी खरीदारी थी। सनफार्मा, इंफोसिस डिफेंसिव से दूर था बाजार, खरीदारी हो रही थी बैंकिंग शेयर्स पे। लाइमलाइट में थे आंध्रा बैंक, यस बैंक, यूको बैंक, एक्सिस बैंक, तो हाई बीटा नेम सामने निकल के आए। रियल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स चढ़ गए, DLF, इनफैक्ट फर्टिलाइजर स्टॉक्स जो थे वहां पर आज सुबह से मोमेंटम बहुत शार्प देखने को मिल रहा था। स्टॉक्स जैसे कि GNFC, फैक्ट, मद्रास फर्टिलाइजर स्टॉक्स में बहुत स्ट्रांगली ग्रिप में थे। मैं बात कर रहा हूँ रियल्टी स्टॉक्स की, DLF, HDI, DB रियल्टी,
इंफ्रास्ट्रक्चर में एमईपी इंफ्रा जैसे स्टॉक्स पे आज खरीदारी होती हुई नजर आई। ऑटो शेयर्स बजिंग थे। पावर सेक्टर लेटर हाफ में यहां पर एक्यूमुलेशन देखने को मिली, जैसे सीरीज एक्सपायर हो रही थी, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, सीएससी जैसे स्टॉक्स तेज हुए, और कुछ छोटे मझौले स्टॉक्स जैसे कि सद्भाव इंजीनियरिंग, सिंटेक्स इंडस्ट्रीज, श्रीएम ट्रांसपोर्ट, टीम लीज जैसे स्टॉक्स मोमेंटम था। तो स्ट्रॉन्ग ग्रिप में है, जब तक एफआईआई पोजीशन पॉजिटिव रखेंगे तब तक और बेहतर लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। बहुत शुक्रिया रजत बाजार का हाल बताने के लिए। कुछ आईपीओ की बात करें तो देश की दूसरी सबसे बड़ी सीएनजी रिटेलर महानगर गैस के आईपीओ की कल लिस्टिंग होनी है। इसके आईपीओ को निवेशकों की ओर से जोरदार रिस्पांस मिला और इशू करीब 65 गुना सब्सक्राइब हुआ। महानगर गैस के आईपीओ को लेकर रिटेल इन्वेस्टर्स का भी खासा क्रेज रहा है। इसका आईपीओ 21 से 23 जून तक खुला था और प्राइस बैंड 380 से 421 रुपए के बीच रखा गया था। मानसून ने पूरी रफ्तार पकड़ी हुई है और अनुमान यह है कि इस साल औसत से ज्यादा बारिश होगी, लेकिन निवेशकों के लिए भी इस मानसून में आईपीओ की जोरदार बारिश होने वाली है। मानसून में लगेगा आईपीओ का मेला, निवेशकों के लिए मौका ही मौका। आईपीओ लाने की तैयारी में जुटी कंपनियों की कतार लगातार लंबी होती जा रही है। 10 से 12 कंपनियां अगले 2 महीने में आईपीओ लाने की तैयारी में हैं। दरअसल मॉनसून का इकोनॉमी से गहरा रिश्ता होता है और इस साल अच्छे मॉनसून की उम्मीद ने कंपनियों को आईपीओ लाने के लिए काफी प्रोत्साहित किया है। आईपीओ लाने की तैयारी में जुटी कंपनियों में शामिल है आरबीएल बैंक, एलएनटी इंफोटेक, जीवीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, संधार टेक्नोलॉजीज, जीएनए एक्सेस, सेंटर फॉर साइट, एडवांस्ड एंजाइम टेक्नोलॉजीज, टाटा स्काई, एज्योर पावर, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, matrimony.com और डीमार्ट। हुडको और आईआरईडीए के आईपीओ को मंजूरी देकर सरकार ने भी विनिवेश की प्रक्रिया शुरू करने का रास्ता खोल दिया है। ये कंपनियां प्राइमरी मार्केट से करीब 6000 करोड़ रुपए जुटाएंगी। आईपीओ में निवेश का मतलब है हाई रिस्क हाई रिटर्न। उदाहरण के तौर पर अगर किसी ने 2008 के रिलायंस पावर के आईपीओ में निवेश किया हुआ होगा तो उसे अब तक 82% का नुकसान हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ अगर किसी ने पेज इंडस्ट्रीज या येस बैंक में निवेश किया होगा तो उसे 2000% का फायदा हुआ होगा। जानकारों के मुताबिक आईपीओ में निवेश से पहले रिटेल निवेशकों को काफी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में काफी कम जानकारी होती है। ऐसे में रिटेल निवेशकों को कंपनी के बिजनेस मॉडल, मैनेजमेंट और वैल्यूएशन पर ध्यान देना चाहिए। इस साल लॉन्च हुए अधिकतर आईपीओ ने अच्छे रिटर्न दिए हैं, हालांकि कुछ आईपीओ से निवेशकों को निराशा भी हाथ लगी है। लेकिन मानसून के औसत से ज्यादा रहने की भविष्यवाणी और ब्रेग्जिट के बाद बाजार में तेजी ने कंपनियों के साथ साथ निवेशकों की भी उम्मीद बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं कोर सेक्टर ग्रोथ के मोर्चे पर झटका लगा है। मई में 8 कोर सेक्टर की ग्रोथ घटकर 2.8% पर पहुंच गई। अप्रैल में कोर सेक्टर की ग्रोथ 8.5% रही थी। क्रूड और नेचुरल गैस प्रोडक्शन में कमी के चलते कोर सेक्टर ग्रोथ में एक गिरावट आई है। मई में रिफाइनरी आउटपुट में भी कमजोरी रही, जबकि कोल और फर्टिलाइजर सेक्टर में जोरदार तेजी देखी गई। 8 कोर सेक्टर की आईआईपी में 38% की हिस्सेदारी होती है। पिछले साल मई में कोर सेक्टर ग्रोथ 4.4% रही थी। दाल की कीमतों में फिर तेजी की आग लगी है और इस बार का विलन है चना। सरकारी आंकड़ों में ही 12 दिन में चने दाल का भाव 20% से ज्यादा बढ़ गया है। 17 जून यानी चना के वायदा कारोबार पर रोक लगने के अगले दिन 70 रुपए प्रति किलो बिकने वाला चना अब 85 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, यानी वायदा कारोबार पर रोक का कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ा है। और हैरत की बात तो यह है कि इस दौरान किसी भी दाल की कीमत इतनी तेजी से नहीं बढ़ी है। दाम बढ़ने के पीछे दलील यह है कि मांग के मुकाबले सप्लाई कम है। यह भी आपको बताएं कि चने की चाल कैसी रही है, जून के महीने में ही कैसे चने की कीमतों में आग लगी है। 17 जून को जो भाव था वो 7050 था जब वायदा कारोबार पर रोक लगी थी, उसके बाद 25 जून तक आते आते 7500 और 29 जून को ये भाव पहुंच गया 8000 रुपए प्रति क्विंटल। मेरे सहयोगी मृत्युंजय मेरे साथ है। मृत्युंजय, चने की कीमतों में इतनी तेजी आखिर क्यों है? मृत्युंजय, चौंकाने वाली तेजी है चने में ये, और 12 दिन में चना दाल का भाव 20% से ज्यादा बढ़ा है।
और हैरत करने वाली बात यह है कि इस दौरान बाकी दालों के दाम उतने नहीं बढ़े हैं और दालों में सिर्फ चना एक ऐसी दाल है जहां पर लगातार तेजी का दौर यहां पर देखने को मिला है। और अगर वायदा बाजार की बात करें तो वहां पर भी चने में तेजी आई है, स्पॉट मार्केट में लगातार दाम बढ़ रहे हैं। 16 जून को सेबी ने वायदा कारोबार पर रोक लगाने के निर्देश यहां पर दिए थे एक्सचेंज को, उसके बाद करीब 1000 रुपये की तेजी स्पॉट मार्केट में चने में आई है और रिटेल में चने के दाम 20% से ज्यादा बढ़े हैं, यानी वायदा पर रोक के बावजूद कीमतें कम नहीं हो रही हैं। बाजार की ये दलील है कि चने की सप्लाई काफ़ी कम है और जो आंकड़े यहाँ पर आ रहे हैं बाजार और सरकार के अनुमान में बड़ा गैप है। मार्केट का ये अनुमान है कि 50 से 55 लाख टन से ज़्यादा उत्पादन मुमकिन नहीं है चने का इस साल, लेकिन सरकार का जो आंकड़ा है वो कह रही है करीब 74 लाख टन के आसपास चने का उत्पादन हुआ है, लेकिन मार्केट पर जो इम्पैक्ट दिख रहा है वो बाजार के अनुमान का ज़्यादा इम्पैक्ट दिख रहा है। सप्लाई काफ़ी कम है, पिछले साल के मुकाबले 20 से 25 लाख टन सप्लाई कम है। हालांकि सरकार को इसमें जमाखोरी की भी आशंका है, देखना होगा। अभी भी खबर ये भी आई है कि सरकार ने कुछ और दालों के इम्पोर्ट को मंजूरी दी है, देखना होगा इसका क्या इम्पैक्ट होता है, लेकिन फिलहाल मार्केट में डिमांड सप्लाई मिसमैच से लगातार कीमतें बढ़ रही है। मृत्युंजय, पूरी खबर पर बातचीत के लिए। वैसे दालों की बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने दिल्ली में चने की दाल 60 रुपए प्रति किलो बेचने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने नेशनल कंज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन यानी NCCF को 60 रुपए प्रति किलो दाल बेचने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार की प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड की बैठक में यह फैसला लिया गया। इससे पहले दिल्ली में NCCF दिल्ली में 120 रुपए प्रति किलो अरहर और उड़द दाल बेच रहा है। इसके अलावा सरकार ने बड़े पैमाने पर दालों के इम्पोर्ट की भी तैयारी कर ली है। बैठक में 5000 टन चना, 2500 टन अतिरिक्त मसूर दाल इम्पोर्ट करने का फैसला किया गया और इससे पहले भी सरकार ने 2500 टन मसूर दाल के इम्पोर्ट के लिए टेंडर मंगवाए थे। चलिए, मॉनसून के मोर्चे पर हालांकि एक अच्छी खबर आने वाली है। जुलाई का महीना मॉनसून के लिए शानदार रहने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक जुलाई के पहले हफ्ते में उत्तर भारत यानी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में जबरदस्त बारिश की संभावना है। दूसरे हफ्ते में महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। ये भी बताएं, जुलाई का महीना खरीफ की बुआई के लिए सबसे अहम माना जाता है। जून के आखिर में भी मॉनसून में जबरदस्त रिकवरी आई है और मॉनसून का जो डेफिसिट 25% था उसे घटकर 11% पर वो पहुंच गया है। बढ़ते हैं आगे। SBI में NPA को लेकर अभी कुछ समय तक और चिंता बनी रह सकती है। दरअसल SBI की चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य ने इसके संकेत दिए हैं। उनके मुताबिक अक्टूबर से लेकर मार्च तक लोन के नए मामले डेट रिस्ट्रक्चरिंग के लिए आ सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी दावा किया कि NPA को लेकर बैंक ने काफी कदम उठाए हैं जिसका आगे असर दिखेगा। साथ ही सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर उनकी राय है कि इससे इकोनॉमी में खपत बढ़ाने में मदद मिलेगी। सो ड्यूरिंग दिस ईयर इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी डिफिकल्ट बट वॉट गिव्स अस होप ड्यूरिंग द ईयर इज दैट द पॉलिसी इनिशिएटिव्स दैट वी सॉ लास्ट ईयर व्हिच हैड बिगन लास्ट ईयर दोज आर कंटिन्यूइंग। नॉट ओनली दैट देयर आर सम गुड ट्रिगर्स ऑन द होराइजन। One of the triggers, of course, is the monsoon, which we hope will be as per expectations. अगर आपके पास पुराने नोट हैं, तो कल से आप उन्हें बदल सकते हैं। दरअसल RBI कल से 2005 से पहले के नोटों के लिए एक्सचेंज सुविधा शुरू करने जा रहा है। तो अब आप RBI के चुनिंदा शाखाओं में जाकर पुराने नोट बदल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पुराने नोट चलन से ही बाहर हो जाएंगे, बल्कि बैंकों के ATM या फिर बैंकों के काउंटर से पुराने नोट आपको अब नहीं मिलेंगे। सॉफ्टबैंक ग्रुप के प्रेसिडेंट रहने के दौरान निकेश अरोड़ा पर लगे तमाम आरोपों की जांच अमेरिकी रेगुलेटर SEC कर रहा है। इस मामले से जुड़े लोगों का यह कहना है कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन इस बात की जांच कर रहा है कि सॉफ्टबैंक में रहते हुए निकेश अरोड़ा का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं था। SEC की जांच बिल्कुल शुरुआती दौर में है और इसका मतलब यह नहीं है कि अरोड़ा किसी गलत काम में शामिल रहे हैं। निकेश अरोड़ा ने 21 जून को सॉफ्टबैंक के प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा दिया था। यह भी बताएं कि निवेशकों की शिकायत पर ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की एक कमेटी ने अरोड़ा को निर्दोष साबित किया था। कल से हवाई यात्रियों के लिए अपने साथ तय सीमा से ज्यादा सामान ले जाना सस्ता होगा। फिलहाल एयरलाइंस घरेलू उड़ान के दौरान अपने साथ 15 किलो तक सामान ले जाने की इजाजत देती है। 15 किलो से ज्यादा सामान होने पर अतिरिक्त 300 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चार्ज करती है, लेकिन कल से यह बदल जाएगा। कल से यात्रियों को अतिरिक्त सामान के लिए सिर्फ 100 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चार्ज देना होगा। यह छूट 20 किलो तक सामान के लिए लागू होगी।